टू आलोक हेल्प एंड टिप्स। आज बात करने वाले हैं कि पार्टनर आपको खोने से कैसे डरेगा, क्या करने से पार्टनर आपको खोने से डरेगा, क्या होता है इन रिलेशन के। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर आपसे बहुत प्यार करे, कहाँ जाए ना, किसी लड़की या किसी लड़की के पीछे पड़ ना जाए। हम बार बार नेगेटिव थॉट लाते हैं रिलेशन की, पार्टनर मेरे से लॉयल रहे, तो देखो क्या करना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ों की वजह से पार्टनर आपसे बहुत लॉयल रहता है और आपको इतनी वैल्यू करता है, आपको खोने के लिए भी डरता है, तो ऐसा क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। जो मैं टिप्स देने वाला स्टार्टिंग टू एंड सुनना, वीडियो स्किप मत करना। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। ओके, सबसे पहली चीज़ कैसे करना है। ओके, जब सामने पर्सन आपको लाइटली लेता है, उसको ऐसा फील होता है बार बार, ऐसा आपको लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, उसको पता है कि आप वो कुछ भी करे आप उसको छोड़ के जाने वाले नहीं हो, आप उसके फर्स्ट एंड लास्ट उसके ऑप्शन हो, कि आपको पता है कि उसको पता है कि आप उसके बिना रह नहीं पाते हो, आप उसको बहुत वैल्यू देते हो, आप उसके लिए बहुत कुछ करते हो, बट सामने पर्सन आपकी वैल्यू नहीं कर रहा। तो क्या करना पता है, आप पर्सन को क्या दिखाना, आपको ऐसा ट्रीट करना है कि वो आपके लिए कुछ अवेलेबल, आप उसके लिए कुछ हो ही नहीं, उसके लिए आप अवेलेबल ही मत रहो। अभी आप क्या सोचोगे, अरे मैं जैसे ही बोलूंगा आपके मन में आता कि नहीं मैं ऐसा करूंगा तो सामने पर्सन सच में मुझे छोड़ के चले जाएगी, मैं छोड़ के चले जाएगा, ये चीज़ आपको नहीं सोचना। पावली जैसा, पागल जैसा नहीं सोचना है। जब आप पार्टनर के पीछे भागोगे ना, वो और भागेगा। थोड़ा सा अपना मूव करो, थोड़ा चेंज करो, उसको ऐसा जिताओ ना कि आप उसके लिए थोड़ा फ्री नहीं हो, जानबूझ के उसको ऐसा दिखाओ ना कि आप थोड़ा बिजी हो। बिजी होने का कैसा, आप समझो सामने पर्सन को आप उसको फ़ोन करते हो, आप उसको तो आपको बहाने करता है, थोड़ा आपको लाइटली लेता है, फिर बाद में बाबू सोना, बच्चा सोना, ऐसा वो अपने हिसाब से आपको कॉल करता है। तो क्या करना है पता है, अब आपको क्या करना है, खुद को थोड़ा बिजी रखना है। समझो आपको पता है कि आपको 8 बजे ही कॉल करती है या करता है, तो क्या करना पता है, 198 पे कॉल कर लो यार, कॉल को बिजी छोड़ दो। सामने पर्सन फोन पे फोन कर रहा है, फोन पे फोन कर रहा है, फोन नहीं पिक कर रहे हो, सामने पर्सन को जताओ कि आप फोन पे बिजी हो, उसको ऐसा ट्रीट कराओ कि सामने फिर आपके बारे में इंटरेस्ट लेने लगे, अरे क्या ये, कहाँ अभी यार, ये तो सच में मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, पहले इंटरेस्ट लेता था, मैं इसको फोन कर रही हूँ, फोन कर रहा हूँ तो ये बिजी है, कंटिन्यू जब कॉल करो, आपको पता है ना ये टाइम पे कॉल करती है, ये टाइम पे कॉल करता है, वो टाइम पे खुद को थोड़ा बिजी रखो। देखो क्या होगा पता है, आप ऐसा सोचोगे नहीं यार मैं ऐसे रखूंगी तो वो कहाँ और बिजी हो जाएगी, कहाँ और बिजी हो जाएगा, ये गलतफहमी में मत जीना। ऐसा सोचोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, सामने पर्सन के अंदर डर नहीं पैदा कर पाओगे। क्यों पता है, आप सामने पर्सन आपको लाइटली लिया है ना, तो उसको दिखाओ कि आपका भी इंटरेस्ट नहीं रहा उसके अंदर। सेकंड, उसको शो मत करो अपना इंटरेस्ट। क्या हम क्या करते हैं, बाबू आपके लिए मैंने ये किया, बच्चा आपके लिए मैंने ये किया, मैं तुम्हारे लिए फैमिली से लड़ा, फैमिली से लड़ी हूँ, सब क्यों, आपके लिए फ्रेंड छोड़ दी, व्हाट्सअप फेसबुक सब बंद कर दिया, हर रिलेशन में ऐसा होता है। पर क्या होता है पता है, ये सब आप चीज़ बोल के क्या करते हो पता है, सामने पर्सन को बता रहे इसने तो मेरे लिए छोड़ा ना, तो आपको जब ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब आपको क्या करना पता है क्या, उसके लिए उसको ऐसा दिखाना कि नहीं आप अपने फुल व्हाट्सअप में घूमो, अपने फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टा पे अपने DP चेंज करो, प्रोफाइल चेंज करो, थोड़ा इंजॉयमेंट करो, उसको ऐसा दिखाओ जब आपको फोन करे बाबू चलो आपको थोड़ा बाद में फोन कर दो, कॉल कर दो, बार बार कॉल करिए, थोड़ा फोन मत उठाओ, थोड़ा इग्नोर, नहीं यार मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, अरे क्या यार फोन करती, क्या यार फोन करता, उसको ऐसा बोल के फोन टाल दो उसका, कट करो फोन को, थोड़ा उसको जताओ कि आप थोड़ा बिजी हो, थोड़ा शो अप करना जरूरी है, ऐसा दिखाओ कि आपका थोड़ा इंटरेस्ट नहीं रहा है, मैं आपको थोड़ा देर में फोन करता हूँ, उसको ऐसा बोलो कि मैं तुझे फोन करता हूँ, फोन ही मत करो। देखो सामने वाला पर्सन है ना, एक दिन दो दिन ना बोले हाँ छोड़ छोड़, बट उसके बाद तीसरे दिन उसको आदत हो जाएगी ना, वो सोची कह रहा है ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, इसका इंटरेस्ट तो नहीं खत्म हो गया, फिर वो आपको खोने से डरेगा, आपको थोड़ा वैल्यू देना स्टार्ट करेगा। आप ये चीज़ बोलोगे अरे आप मेरे को वैल्यू नहीं देते थे, आप मेरे से बात नहीं करते थे, आप मेरे को टाइम नहीं देते, अब मैं आपके पीछे पागल था, ऐसा नहीं, नहीं देती थी, नहीं देता था ना, अब आपको ऐसे ही करना है, सेम है जैसा वो कर रहा था, अब आपको थोड़ा स्वॉप करना है, इतना बिजी दिखाना है, ऐसा दिखाना है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, अपनी फीलिंग बस शो करो कि अरे यार मैं आपके बिना रह नहीं पाता, मैं आपके बिना नहीं, शो करना है, फिर अपने ईगो को आगे सामने रखना है, एनी टाइम झुकना नहीं है, बहुत बार झुके ना अब झुकना नहीं है, सामने पर्सन को रियलाइज करवाना है ना, तो उसको ऐसा दिखाओ ना कि आपका फीलिंग ही नहीं है उसके साथ में, ऐसा दिखाओ कि आपको टाइम नहीं उसके लिए, आप उसके लिए इतना बिजी हो ना कि उससे आपको टाइम नहीं निकलता, फ्रेंड्स में इतना बिजी हो, स्टडी में इतना, जानबूझ के उसको शो अप करो, तब सामने पर्सन आपका इंटरेस्ट लेगा। आप क्या करते हो कि उसके पीछे लगे पड़े रहते हो, ऐसे इंसान है ना वो और भागेंगे, क्यों पता है, उनको ऐसा लगता है कि आपके पास भी ऑप्शन नहीं है, उनके पास ही ऑप्शन है, ये नहीं चीज़ करना है। आपको थोड़ा ऐसा दिखाना है कि आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन है, आपके पास भी लाइफ बहुत पड़ी है, आपने जितनी टाइम दिया, अब उसको ऐसा लगना चाहिए जो चीज़ आपने किया ना उसको करना चाहिए। सामने वाला पर्सन आपको बार बार दिखाता है ना, क्यों पता है, हम वो चीज़ से झुकते, वो आपको झुकाता है, हम झुकते, हम क्या करते बार बार झुक जाते, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा रिलेशन खराब ना हो। पर्सन क्या कर रहा है, हद से पीछे पड़ा हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्यों पता है, हम उसको दिखाते थे, शो अप करते थे अपनी फीलिंग, अपना इंटरेस्ट, अपना प्यार, अपना वैल्यू, हर एक चीज़ शो अप करते थे। अब आपको यही सब चीज़ को क्या करना है, शो नहीं करना है, ना प्यार, ना बाबू, ना सोना, ना टाइम टाइम पे देना, नहीं देना है उसको, थोड़ा दिन देखो यार, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अब कंटिन्यूसली, आपको सिर्फ 15-20 दिन करना है, इस चीज़ में इतना अच्छा रिजल्ट आएगा ना यार, सामने वाला पर्सन खुद आपकी वैल्यू करने लगी है। जो इंसान आपको खोने से डरता नहीं था, जो खोने का डर पैदा हो जाएगा उसके अंदर, इतना शो अप करो उसको, इतना बिजी दिखाओ, ऐसा दिखाओ कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है,
उसको ना जानबूझ के मजबूर कर दो आप पे इंटरेस्ट लें कि आप कर कहाँ रहो, आप बिजी कहाँ हो, बार बार आपके ना सोचने लगे अपने फ्रेंड्स लोग के साथ टाइम स्पेंड करो, फीमेल फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो, उनको शो अप करो कि यार आप सच में बहुत बिजी हो, आपका टाइम नहीं उसके लिए। इतना वैल्यू मत दो उसको, जितना वैल्यू दे रहे थे ना थोड़ा अपने वैल्यू को छुपाओ, थोड़े प्यार को, थोड़े फीलिंग को थोड़ा दबाओ। ये मत सोचो, नेगेटिव थॉट मत लाना लाइफ में कि यार मैंने ऐसे करने से कुछ गलत होगा। ये नेगेटिव थॉट आपकी लाइफ और ख़राब करेगी। तो थोड़ा देखो डर पैदा करना है तो खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट आपको लाना ज़रूरी है, जो आपने खो दिया उसको पैदा करना है। तो ये चीज़ों से इंसान आपको खोने से डरेगा। ये मत सोचना कि ऐसा कुछ गलत होगा, कुछ नहीं होगा, 101% अच्छा रिजल्ट आएगा गाइस। आपको पार्टनर खुद वैल्यू करने लगा और आपको खोने से डरेगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे शेयर को और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट अब तक पहुँचते रहे। थैंक यू।